सर, मैं सबसे पहले आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, पिछले रमजान की ईद के दिन जो इंतजाम थे बिल्कुल गलत इंतजाम थे, कोई वजाकार सही इंतजाम यहाँ पर ईदगाह के अंदर नहीं हुआ। GHMC वाटर वर्क डिपार्टमेंट और सैनिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बोल रहा मैं आपको, आपके वक्फ तरफ से, वक्फ बोर्ड का जो इंतजाम थे सबसे ख़राब इंतजाम वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से हुए। सबसे पहली चीज़, आपके जो लाउड स्पीकर सिस्टम था पब्लिक तक आवाज़ नहीं गई, और जो हर साल की तरह कमान लगाया जाता है चौरस्ते के ऊपर, वो कमान नहीं लगाई गई थी। डेरों का सही इंतज़ाम नहीं किया गया था, शतरंजियों का सही इंतज़ाम नहीं किया गया था। जब सप्लाई कंपनी वालों को, यहाँ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको, हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार लोग जब कॉन्टैक्ट करे तो लोग ये बोले, सर लास्ट ईयर की बिल आज तक हमारे को नहीं मिली, ये साल फिर आ गया है। और इसके पहले जब मीटिंग हुई थी यहाँ पर, ख़ास तौर से ये चीज़ आपके सामने रखा गया था, तो आप बोले थे इमीडिएटली जो भी बिल है रिलीज़ करिए और उनका काम कराने लगेंगे। उसके बावजूद भी आपका डिपार्टमेंट कोई बिल रिलीज नहीं, सप्लाई कंपनी वालों को और उन लोगों का क्या बोलते, साहली करे का इंतजाम खराब है। पूछे तो सप्लाई कंपनी वाले बोले, हमारे को बिल ही नहीं दे रहे साहब, हाल की तरह काम जा रहा है, एक एक साल पेंडिंग रहे। आपके सामने ये नॉलेज में आए थे ये चीज़। और सेकंड क्या हुआ था, आप इसके बारे में यहाँ पर दौरे, आप दौरा क्या वर्क बोर्ड क्वारंटी नाइट फंड होने दीजिए या जो भी दीजिए, इमीडिएटली बकरी की इससे पहले ऊपर के चबूतरा दलाता हूँ मुझे, वो काम ही नहीं हुआ आप तलक। ये चीज़ आप विलेज में रखना है। जितने भी बाकी के है डिपार्टमेंट, GHMC का स्टेट काम करा पूरा, वाटर वर्क डिपार्टमेंट काम करा, LED डिपार्टमेंट ट्रांसफॉर्मर लगे, जनरेटर, जो भी इंतजाम था बल्दिया की तरफ से, वाटर वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ऑफिसर्स अपने हद तक बराबर रहे। वर्क बोर्ड की तरफ से कोई काम नहीं हुआ बुलाना था, इसका मैं आपसे पहले इजाजत लेके बोलूंगा, बोल के बोला दिन पहले कमान बारिश ने तो नहीं पड़ती, ठीक है दूसरे काम आऊंगा कुछ बारिश की वजह से कुछ भी, मगर आज की डेट में सो काम छोड़ना, वो कमान का भी जो इंतजाम है पहले करना हो। बिल अपन ऑलरेडी 2-3 साल का, मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी 2 साल था मैं तो आके चार पांच बने हुआ बोर्ड बन के चेयरमैन बन के, मगर पुराना अभी बका 2 साल का जो था वो भी दे दिए, कोई पैसा बाकी नहीं है सप्लाई कंपनी को, 1 रुपया भी देना नहीं है। 9 लाख चिल्लर का बिल हुआ, A to Z बिल हम दे चुके हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब रहा शाम में ईदगाह में प्लेटफॉर्म का, वो क्योंकि महीने में नहीं होने का काम था, वो क्योंकि बड़ा काम है, वो अल्लाह ताला वो भी बकरी में टाइम पे जो है ना 2-4 महीने 5 महीने 6 महीने में वो ईद आने से पहले इंशा अल्लाह उसको कंप्लीट, वो भी है हम जो है ना कुछ, और दूसरी प्लानिंग काम में का भी जो है वो भी कुछ ग्रेटिनेट से जो है ना साय का भी वो, और ये 2 चीज का के देंगे इंशा अल्लाह, अल्लाह चाहे तो उसमें कोई कसकी नहीं रखेंगे। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, मगर नेक्स्ट अभी तुम लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप इमीडिएट पहले कमाना इधर भी उधर भी, और कोई चीज की कमी नहीं, शतरंज और वो सप्लाई कंपनी वालों को बुला के लेगा, मैं इमीडिएट वाटर प्रूफ लगा, वाटर प्रूफ टेंट को 18 लाख रुपए बोल रहे हैं वो लोग, उन लोगों को भी हम बात करें जो ना, वो लोग भी क्योंकि इन 6 लाख में जो है ना पूरा काम करने का ये होते हैं ना, तो उसके ना उनको ये नहीं करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से जो करा देंगे यहाँ पर, समझे। और दूसरी बात ये है, वक्फ बोर्ड के तरफ से जो है ना जो जो हम लोग कर सकते थे करे हैं, वक्फ बोर्ड को कमी नहीं रखे, मगर बारिश 2-3 सी कंटिन्यू थे, प्लानिंग करनी था वो नहीं हुई, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे। और पुलिस यहाँ की नॉलेज है, इधर आओ साहब, क्योंकि ट्रैफिक का लाइन ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, वक्फ बोर्ड का कुछ बोले वो वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नवाज कंपनी जो है, ये जो हमारे मजीद साहब है उनकी गलती है, क्योंकि हम तो उनको बार बार गाइड कर रहे थे, पर मैं क्या करूं साहब, बारिश की वजह से जो ना मैं ये प्रॉब्लम में आ गया, मतलब इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम भी नहीं होने देंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि हमारे वाटर प्रूफ टेंट का जो ना कितने भी पैसे लगो नेक्स्ट टाइम से जो ना हम लोग वाटर प्रूफ की प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम। अब आने वाला बकरीद ईद का जो नमाज होता है ईदगाह में, इसका सिलसिला में साउथ जोन पुलिस तरफ से और ट्रैफिक तरफ से मुकम्मल अच्छी बंदोबस्त करेंगे, एक मुसल्ले को भी तकलीफ नहीं होने देंगे, और ट्रैफिक का भी डाइवर्शन का भी प्लान है हमारे को, हर साल जो होता है वैसे करेंगे, वैसे ही
ये पूरा ईदगाह का जो है बीडी टीम से चेक करेंगे और पुलिस का बंदोबस्त हर चौरस्ते पे, हर रोड पे पूरा मुकम्मल तरफ से बंदोबस्त का इंतजाम करेंगे। कई लोगों को शिकायत ये होती है नमाज पढ़ने जैसा नहीं एग्जांपल था काला पत्थर पुलिस स्टेशन तलक पब्लिक जाती वहाँ तलक आपका लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं रहता, यहाँ पर ख्वाजा फंक्शन हॉल तलक लाउड स्पीकर नहीं रहता, जू पार्क की रोड के ऊपर लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं रहता। ये आज पहली वक्त नहीं बोल रहे आपके ये मीटिंग में हर वक्त ये शिकायत होती है और हर वक्त आप लोगों की नॉलेज में लाते हैं लाउड स्पीकर सिस्टम सही नहीं रहता। सेकंड चीज़ क्या है सर, यहाँ पर जो भी जिम्मेदार बैठ रहे हैं जो माइकों कने जो यहाँ का इंतजाम समझा रहे संभाल रहे ईद के दिन उनका काम ये होता है हर दो मिनट पाँच मिनट को एक अनाउंसमेंट करना चाहिए। ईदगाह के अंदर काफ़ी जगह है, बाहर जितने आवाम ठहरी हुई है अंदर ईदगाह के अंदर आओ बोल के बोलना ऐसा हो रहा है सर। क्या है तो ईदगाह का ग्राउंड अंदर खाली रह रहा रोडा फुल हो जा रहे हैं। आप पब्लिक को जब बोलते रहेंगे तो पब्लिक को ये मालूम होगा अंदर जगह है कहते भाई अनाउंसमेंट हो रहा अपने को अंदर जाना चाहिए। ये दो चीज़ों का ख्याल रखना सर कैसा विचार।